आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया, सरकार पुलिस सबका हाथ उसको मरवा लो। उनकी शहादत बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो कैसा। कौन है? हाँ जी, हाँ कहिए। अब्दुल, हाँ गोकुलधाम की बहनों ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? अच्छा समझ रहे हो ना। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है, तो एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए सीरियस मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं वीडियो। बिल्कुल शहीद हो गया, क्योंकि मतलब बंदा रोजा रख के मतलब कि वो भाग रहा था, वो कर रहा अपनी जान बचा रहा था, मतलब वो कर रहा था, माफी मांग रहा था आप लोगों से, लेकिन उन्होंने बख्शा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, रोजा रख के मतलब देख लीजिए जाहिर सी बात है जन्नत में जाएगा। क्या बात है सर, जन्नत में जाएगा, कुछ जन्नत में जाएगा, जन्नत में कहते हैं 72 हुरे मिलेंगे और इससे और क्या बात है, उसकी बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो। क्योंकि मतलब उन्होंने मतलब रोजा रख के अपनी जान बचा रहे, अल्लाह के नाम में कुर्बान हो गए, तो बिल्कुल जन्नत में जाएंगे, उसमें कहने वाली क्या बात है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों अतीक अहमद के जन्नत में 72 हुरों के पास जाने के बाद यहाँ जो उनका फैन क्लब बच गया है, उनके मन में देखिए किस प्रकार की जो है हलचल मची हुई है, उनका मानसिक संतुलन देखिए किस प्रकार बिगड़ गया है। मोहम्मद सलीम, ये क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदी में बता सकते हैं, हिंदी में परेशान है भजन और क्या, बस टूटा हुआ। ये तिजोरी है मोदी जी के काले धन की, इसका ताला तोड़ा है। अच्छा इसमें निकला है डॉक्यूमेंट सच्चाई। ये कागज निकले हैं जी मोदी जी के, इसमें सारे भाई खाते हैं, अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। रुक जा पहले हाथ कांपना चाहिए, ऐसे हाथ कांपे जब आप किसी पुलिस वाले पे गोली चला रहे हो तो अपराधी का हाथ कांपना चाहिए, अपराधी गोली चला देता है और हमारा पुलिस वाला मारा जाता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं करके दिखाया भी कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले यूं कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के लिए जो टिकट दिया था तो उनसे No. मुसलमानों के 4 प्रमाणिक ग्रंथ है, पहला है कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा हिदाया और चौथा है सिरातुल नबी। हदीस में सही बुखारी हदीस, ये वाली सबसे प्रमाणिक हदीस है। तो इस सही बुखारी हदीस में मूसा के विषय में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मोहम्मद एक बात कहते हैं, मेरे से पहले जो पैगंबर आया था मूसा, वो एक बार स्नान कर रहा था, नहा रहा था, इसमें आप देख लीजिए, तो नहाते नहाते एक बार पत्थर ने उसके कपड़े उठाए और पत्थर भाग लिया। अब पत्थर कपड़े उठाकर भाग लिया, कितनी बड़ी बात, कल्पना की। मूसा भी बिना वस्त्र के नंगा ही उसके पीछे पीछे भाग लिया, लेकिन थोड़ी देर में पत्थर को पकड़ लिया मूसा, अपनी को नहीं पकड़ लेते, ऐसे ही गर्दन दबोच ली पत्थर की, पत्थर कपड़े उठाकर भाग रहे और उनको पीटा भी जा रहा, उन पर निशान भी पड़ रहे थे। ये मुसलमानों की सच्चाई, कौन जवाब देगा इसका।
तो दोस्तों हाल फिलहाल ही में यदि आपको लिबरल गैंग हनी सिंह के खिलाफ रोना रोते हुए दिखे तो आप ज्यादा अचंभित मत होइएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर वे उनके खिलाफ होंगे ही। मेरे ऑडियंस देखो, आज की जो जनता है ना सर, वो बहुत समझदार है, तभी आज हमारे देश में जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं, बेवकूफ बनाने वाले पॉलिटिशियंस नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत समझदार है, उनको नाटक और असल में फर्क पता है। वेरी ट्रू। तो आज हमारे हिंदुस्तान में जितने भी अमेजिंग पॉलिटिशियंस और लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस नहीं कहूंगा मैं, लीडर्स हैं इंक्लूडिंग मोदी जी, वो इसलिए क्योंकि वो असली लोग हैं और आज की जनरेशन को पता है कि ये असली आदमी है, ये कोई नाटक नहीं हो रहा। तो हमें फोकस सिर्फ करना चाहिए भाई अपने 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 ऊपर, अपने 1.4 आगे हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे अपने आप, हमें थोड़े ना गोरो कालो की रीस करनी। मोदी जी बोलते ना हिंदी में बात करते ना, वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट में तो नहीं बात करते, सिंपल आदमी है। That's the math. That's gonna work. Yeah. Okay. खुश नजर आ रहे हैं। अरे बढ़िया, खुश नजर नहीं आएंगे, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं भाई, बड़े शांत से रहते हैं भैया। ऐसा क्यों, इतना खुश क्यों है भाई जान? गुंडागर्दी खत्म हो गई योगी जी के राज में आके। अच्छा। हाँ, गुंडे खत्म हो गए, एनकाउंटर हो रहे इनके। लो ये तो मुद्दे लगा साला। ना कि वो मुसलमानों को देख के टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अरे भैया जी, हम भी तो मुसलमान है, हम भी तो मुसलमान है भैया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत तो बता जो बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनकी नहीं चल रही, पहले लूटा मारी करते थे। हाँ। छीना झपटी करते थे। हाँ। प्लॉटों पे कब्जे करते थे, अब नहीं होता, बाबा जी का बुलडोजर खड़ा चल रहा है। सही काम, अरे बढ़िया काम हो रहा, बेहतरीन काम हो रहा, मैं तो बड़ा फखर है कि हम भारतीय उत्तर प्रदेश ही है भैया जी। उनकी आंखें वो खोलना नहीं चाहते और हमारी आंखें खुली नहीं है। एंड आई टेल यू द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, फॉर ऑल प्रैक्टिकली ऑल माई लाइफ आई बिलीव दैट आफ्टर अशोका अंडरटुक द कालिंगा वॉर एंड ही किल्ड अ मिलियन ऑफ पीपल, ही सॉ द डिस्ट्रक्शन, ही वाज सो डिस्ट्रॉट एंड ही सेड, व्हाट हैव आई डन बीइंग अ हिंदू, आई कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। दैट्स रॉन्ग। संजीव शोज दैट ही वाज ऑलरेडी अ बुद्धिस्ट फॉर 4 years बिफोर ही अंडरटुक द कालिंगा वॉर। नाउ दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू हंट फॉर द गाय हू गेव मी दैट फॉल्स नैरेटिव। आई वॉन्ट टू रियली, आई डोंट नो, आई एम अ non-violent man by nature, but you know, something that has stayed with me for 40 years and stayed with, I would say, 99% of people, ki bhai itna destruction usne kiya, fir usne itna usko bura laga and he said, oh, I have to convert, I can't see all this thing. Just imagine what people would think, what Hinduism is and what Buddhism is, and the fact is he was already a Buddhist. ताज्जुब की बात तो ये है, आपके देश में इस समय जो इंडियन पिनल कोड चलता है, जिसे आप भारतीय संविधान कहते हो, किसने बनाया था? नहीं नहीं, अभी किसका नाम लिया जाता है, किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, किसने? अरे अच्छा, संविधान समिति तो 277 लोगों की थी और उनके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो फिर ये भीमराव अंबेडकर ने कैसे बनाया? नहीं नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ, इस बात को समझने का प्रयास करूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हीं 277 लोगों में थे जिन्होंने संविधान बनाया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बनाया? बताओ भाई, संविधान इन 277 लोगों ने भी नहीं बनाया, संविधान तो बनाया उन 50 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इन 277 लोगों को चुनकर इस संविधान सभा में भेजा था। लेकिन जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या 277 लोगों को कहा जाता है कि इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने भी नहीं बनाया। 1860 में उसी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, ये वही संविधान है, वही आईपीसी है, वही इंडियन पिनल कोड है और आज भी चल रहा है। आप उसमें उठाकर पढ़ो कंपनी एक्ट 1860, इसका क्या मतलब है? 1860 में कंपनी एक्ट तैयार किया गया था, उसमें सन पड़े हुए हैं, आप मुझे 1947 के बाद के एक्ट दिखाओ कितने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।